नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार ट्रेवल विद एचके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में। अगाती एयरपोर्ट लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है जहां से आप लक्षद्वीप के अन आइलैंड पर जा सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, अगाती हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 28 सेल्सियस है। आई लव अगाती। अगाती एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। पीछे कितना खूबसूरत नजर आ रहा होगा अगाती एयरपोर्ट और ब्यूटीफुल। लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर 36 आइलैंड है जिसमें से 10 पर ही लोग रहते हैं। 10 में से भी 5 या 6 में ही टूरिस्ट अलाउड हैं, जिनमें प्रमुख हैं अगाती, बंगाराम, मिनिकॉय, कल्पानी, कारावती और कदमत। अगाती एयरपोर्ट से अब हम टैक्सी के थ्रू आए हैं और अब बाई बोट गंगाराम चलेंगे। बिल्कुल टाइटैनिक के शिप की तरह खड़े हो गए हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा चारों तरफ, क्या कहना चाहिए कि दिल खुश हो गया। बाग बाग समुद्र में इतना नीला पानी है और नीचे तक दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत जगह। कितना खूबसूरत आप समुद्र देख रहे होंगे। अगाती से अब हम बंगाराम की तरफ जा रहे हैं। नज़ारे देखिए, क्या खूबसूरत समुद्र, बहुत। और इस टाइम तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है, ब्यूटीफुल। नीला एकदम समुद्र है, बहुत खूबसूरत नज़ारा, अच्छा आपको मजा आएगा। मज़ा आ गया गाती से बंगाराम जाने के रास्ते में। बोट वाले भैया ने बताया कि जहाँ पर पानी डार्क है ना, वहाँ पर गहरा है। यहाँ थोड़ा पानी ग्रीन है या वाइट है, मतलब वहाँ थोड़ा येलो है, कम गहरा है। क्योंकि आगे आप देखिए तो वहाँ ग्रीन है, वहाँ कम गहरा है, इधर जो है ये ज़्यादा गहरा है। मगर हम आए आखिरकार हम पहुंच ही गए बहुत खूबसूरत आइलैंड पर। थैंक यू गंगाराम रिजॉर्ट। बंगाराम रिजॉर्ट पर हमें वेलकम ड्रिंक के रूप में नारियल पानी दिया गया और यहाँ के जीएम ने हमें इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। Whenever you wanted to take a walk on the periphery, please do it at the low tide time. But if anyone wanted to attempt swimming, please collect the life jackets from the water sports. From your room you can see sunrise because we are on the eastern side. On the northwest we have a sand bank. Even you can go and see the sunset from there. Our food timing is breakfast we serve from 8 to 10 and lunch from 1 to 2. Sorry to say that we don't have any room service.
Yeah. So if you need to take food to your room, you can take from the restaurant, but we really don't appreciate that, because if you take food in the rooms, the insect, all that thing, so we, that is why we really don't want to do any room service. So any counter, whatever you are going to take, you please don't pay it at that counter. They will send us the detail to the front office. The day you are leaving, you can pay everything in one shot. बहुत खूबसूरत आइलैंड, ये कैंडल लाइट डिनर्स के लिए चेयर्स बिछी हुई हैं, झूला भी लगा हुआ है। ये सामने रूम्स, कॉटेजेस, ये हमारा कॉटेज 115 बाहर से। ये डबल बेड, ये जो है सिटिंग एरिया, एंड फैन लगा हुआ है, मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, टीवी, सामने एसी भी लगा हुआ है, और ये चाय का पानी की बॉटल्स, छोटा फ्रिज भी है। ये सामान रखने की जगह, कबर्ड, उसके अंदर लॉकर भी है। ये वॉशरूम, बहुत साफ सुथरा वॉशरूम। गीजर लगा हुआ है। आते आते हमें देर हो गई थी, तो हमने अपना सामान कॉटेज में रखा और खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ गए। खाने की प्लेट आ गई, मैंने फिश करी, चिकन, पापड़, चपाती और सलाद ले लिया। बंगर है माइलैंड का समुद्री किनारा, अच्छी ठंडी ठंडी हवा बहती हुई और बिल्कुल साफ पानी, बहुत खूबसूरत जगह। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़। और बीच बीच पे कॉटेजेस बने हुए हैं। यहाँ बैठकर आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनकर बहुत सुकून मिलेगा और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। ये आपको मैं बंगारा माइलैंड का 360 व्यू नज़ारा दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत, शाम का समय है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सनसेट होने वाला है। इधर ये कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। दोनों तरफ समुद्र, चारों तरफ समुद्र, और समुद्र बिल्कुल शांत है। जैसे ही समुद्र के किनारे वेव्स आती हैं बहुत तेज से, बहुत खतरनाक, वो नहीं, इसमें आप अंदर तक नहाने जा सकते हैं। वो जो एक आइलैंड है उसको थिंकारा आइलैंड कहते हैं। छोटा सा केकड़ा पानी के अंदर, नारियल के पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सनसेट पॉइंट, बट अभी शायद बादल हो रहे हैं।
दोस्तों ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं इसको सैंड बैंक कहते हैं। ये किनारे से करीब 30 मीटर दूर है और यहाँ जाने के लिए हमें 2 से 2.5 फुट गहरे पानी में जाना पड़ता है। ये बंगाराम आइलैंड पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है एमरजेंसी सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों जगमगाती लाइटों के बीच ये था हमारा बंगाराम में पहला दिन। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।